हेलो, तो कैसे हो सब दोस्तों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो भारत के मैदान थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर दोस्तों हम भारत का जो अपवाह तंत्र है, भारत का जो नदियों के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, वो नदियों के बारे में सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो भारत का जो अपवाह तंत्र है, भारत का जो रिवर सिस्टम है दोस्तों, उसको अगर देखा जाए मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। दो भाग दोस्तों कौन कौन से? जो सबसे पहला जो भाग है उसको कहा जाता है दोस्तों हिमालय नदी तंत्र। पहला जो भाग है दोस्तों उसको हिमालय नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा जो भाग है उसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। दूसरा जो भाग है वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहलाता है। जो पहला भाग है वो हिमालय नदी तंत्र कहलाता है। दोनों में दोस्तों फर्क क्या है वो हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हिमालय है यहां पे। इस हिमालय से जितनी भी नदियां उतरेगी, इस हिमालय से जितनी भी नदियां उतरेगी या ऐसी नदी जो कहीं ना कहीं जाकर इस हिमालय से निकलने वाली नदी के अंदर जाकर मिल जाएगी दोस्तों, उन सभी नदियों के समूह को हम हिमालय नदी तंत्र का हिस्सा मानते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है दोस्तों? ये जो भाग है ना नीचे का, इस कर्क रेखा से नीचे का जो भाग है भारत का, ये कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जमीन का वह टुकड़ा जो तीन तरफ से जलीय सीमा बनाता हो, तीन तरफ से जलीय सीमा बनाता हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। चारों दिशाओं से, चारों साइड से जलीय सीमा बनाता हो द्वीप कहलाता है। तीन साइड से जलीय सीमा बनाता हो तो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत का ये सही, इधर देखे तो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है ये टुकड़ा, तो ये टुकड़ा क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। तो इस टुकड़े के अंदर जितनी भी नदियां फॉलो करेगी, इस टुकड़े के अंदर जितनी भी नदियां फॉलो करेगी दोस्तों, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हो, चाहे वो अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदी हो दोस्तों, वो क्या कहलाएगी? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय नदी तंत्र की। तो जो हिमालय नदी तंत्र है दोस्तों, उसको तीन भागों में बांटा गया। हिमालय नदी तंत्र को तीन भागों में बांटा गया, या फिर दोस्तों मोटे तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि हिमालय में तीन नदियां ऐसी है, तीन नदियां ऐसी फॉलो करती हैं जो पूरे इस पूरे भारत का, कर्क रेखा से ऊपर का जो भारत है, इस पूरे भारत की नदियों का पानी लेकर खाड़ी में या सागर में गिर जाती है। तो तीन भागों में हमने उसको बांटा है। जो सबसे पहला जो भाग है उसको कहा जाता है सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। पहली नदी कौन सी है? सिंधु। दूसरा जो है उसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी कि दूसरी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। तीसरा जो तंत्र है उसको बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। यहां पे दोस्तों हमने तीन नदी की बात करी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ये तीन नदियां इस पूरे हिस्से की मुख्य नदियां, ये तीन नदियां ही वो नदियां हैं जो इस कंप्लीटली
जगह के पानी को लेकर चलती है। यहां पे जितनी भी नदियां आप देखोगे किसी न किसी रूप में इनसे वो जुड़ी, या तो डायरेक्टली इन नदियों के अंदर जाके मिक्स हो रही है, या इनकी किसी सहायक नदी के अंदर जाकर वो मिल जाती है और वो सहायक नदी आगे चलकर इनमें मिक्स हो जाती है और फिर ये नदियां आगे चलकर सागर या खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो हिमालय नदी तंत्र को हमने यहां पर बांटा है तीन भागों में। जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है दोस्तों, उसमें जो नदियां हैं एक तंत्र का हिस्सा नहीं है। यानी कि दूसरे शब्दों में बात करूं तो सिंधु नदी तंत्र को हमने नदी तंत्र क्यों बोला है, क्योंकि सिंधु नदी खुद अकेले नहीं बहती है। सिंधु नदी बहुत सारी नदियों का पानी लेकर चलती है। गंगा नदी अलग नहीं बहती है, अकेली नहीं बहती है। गंगा नदी भी बहुत सारी नदियों का पानी लेकर यहाँ पे चलती है। इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत सारी नदियों का पानी लेकर चलती है। इधर वाले हिस्से को ब्रह्मपुत्र नदी कवर करती है, इधर वाले हिस्से को गंगा नदी कवर करती है और इधर वाले हिस्से को सिंधु नदी कवर करती है। तो ये नदियां अकेली नहीं बहती है, ये बहुत सारी नदियों के पानी को लेकर चलती है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं दोस्तों, वो नदियां ज्यादा नदियों को अपने अंदर नहीं लेकर चलती है, वो अकेले ही चलती या फिर कुछ एक सहायक नदियों को लेकर चलती है। तो उनको हम नदी तंत्र का हिस्सा नहीं बोल सकते किसी नदी को। तो यहां पे हम उनको दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या कहलाता है? पहला भाग कहलाता है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो दोस्तों कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां। सॉरी दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। क्योंकि दोस्तों ये मैंने आपको क्यों बताया है, कई बार एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो आपको चार नदियां देता है और कैसे बोलेगा कि इसमें से वह नदी जो पश्चिम की तरफ बहने वाली एक नदी है, इनमें से वह नदी जो पूर्व की तरफ बहने वाली एक नदी है, इनमें से वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस साइड में जा रही है, ये किस साइड में जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका वहां से भी बन सकता है और ये HSC ने आपसे पूछा भी था दोस्तों। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी यानी कि जो पश्चिम दिशा में इस साइड में फॉलो होता है जिन नदियों का, और दूसरा बच्चों पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हमने यहां पे दो भागों में बांटा है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां और पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां देखिए दोस्तों कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि साबरमती, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, शरावती नदी, इसके अलावा और भी बहुत नदियां हैं, पेरियार नदी, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं दोस्तों। ठीक है, पूर्व की तरफ बहने वाली नदी हम देखिए दोस्तों, दामोदर नदी, गोदावरी नदी, इसके अलावा कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ऐसी बहुत सारी नदियां यहां पर बहती है। जब इनका टॉपिक करेंगे तो वो सारी नदियां हम डिटेल में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे
दो भागों में मैंने नदियों को बांटा है, पहला जो भाग है हिमालय नदी तंत्र का है, दूसरा जो भाग है वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का है। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे और सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों हिमालय नदी तंत्र का, और हिमालय नदी तंत्र के अंदर सबसे पहले हम करेंगे आपकी सिंधु नदी तंत्र, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं और हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। नदी तंत्र, तो देखिए दोस्तों ये मैं थोड़ा जम्मू कश्मीर का पार्ट यहां पर बना देता हूं। तो दोस्तों देखिए यहां पे चाइना है और यहां पे एक जगह है मान सरोवर, पहले तिब्बत में बोलते थे, अभी तिब्बत नहीं है, अभी क्या कहलाता है चाइना कहलाता है। तो यहां पे एक जगह है मान सरोवर और मान सरोवर से यहां पे तीन नदियां निकलती है दोस्तों। कितनी नदियां निकलती है? तीन नदियां। एक नदी है ऊपर की तरफ लद्दाख श्रेणी की तरफ बढ़ जाती है, एक नदी सीधी पश्चिम की तरफ निकल जाती है, और एक नदी है जो पूर्व की तरफ चली जाती है। तो ये तीन नदियां हैं दोस्तों जो मान सरोवर से निकलती है। जो नदी ऊपर की तरफ गई है ये नदी क्या कहलाती है? ये नदी कहलाती है सिंधु नदी। वह नदी जो पश्चिम की तरफ सीधी गई है ये नदी क्या कहलाती है? सतलुज नदी। और वह नदी जो पूर्व की तरफ आगे बढ़ी है ये नदी कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। देखो ब्रह्मपुत्र हमारे यहां बोलते हैं, लेकिन जहां पे ये निकलती है, जहां से ये निकलती है वहां पे ये सांपों के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? सांपों के नाम से ये निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले करते हैं दोस्तों सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का पहला क्वेश्चन तो यही, सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, चाइना में मानसरोवर के चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। इसके बाद ये ऊपर की तरफ जाकर कहां प्रवेश करते हैं? लद्दाख में प्रवेश करते हैं। कहां से होकर बहती है? लद्दाख से होकर बहती है। इसके बाद ये आगे चलकर पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान से ये आगे बढ़कर कहां चली जाती है? ये आपके अरब सागर के अंदर गिर जाती है। दूसरी बात बच्चों, सिंधु नदी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा कि सिंधु नदी हिमालय से निकलकर पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय से निकलने वाली पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों सिंधु नदी ही वह नदी है। लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2880 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सिंधु नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में एक परियोजना बनी है दोस्तों, जो हमारी पाकिस्तान के साथ विवादित है। जब मैं भारत का भूगोल का जो परिचय था, भारतीय भूगोल का परिचय मैं आपको करवा रहा था, तो उसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बताए थे दोस्तों, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कुछ परियोजनाएं हैं जो सिंधु जल समझौता का उल्लंघन करती है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान कहता है कि भारत उल्लंघन करता है, तो वो परियोजनाएं मैंने आपको बताई थी। तो उसमें से एक परियोजना थी जिसका नाम था नीम बाजारो परियोजना जम्मू कश्मीर। तो सिंधु नदी पर कौन सी परियोजना बनी हुई है? नीम बाजारो परियोजना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सिंधु नदी वह नदी है जो किस जिले से होकर बहती है? लद्दाख जिले से होकर बहती है, ठीक है दोस्तों। सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? तो सिंधु नदी तीन देशों में बहती है, चाइना, भारत और पाकिस्तान। अंततः यह कहां जाकर गिर जाती है? ये अरब सागर के अंदर
गिर जाती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों की। किसकी बात करते हैं? सिंधु की सहायक नदियों की। तो दोस्तों इसकी पांच सहायक नदियां हैं, मुख्यतः कितनी सहायक नदी है? पांच। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले जो सहायक नदी है उसका नाम है झेलम नदी। उसके बाद जो दूसरी नदी है उसका नाम है चेनाब नदी। उसके बाद जो नदी आती है रावी। उसके बाद जो नदी आती है व्यास नदी। और आखिर में जो आती है सतलुज नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये पांच नदियां हैं सिंधु की सहायक नदियां, इनको बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर से यहां से निकलती है नदी का नाम है झेलम नदी। ये कौन सी है? झेलम नदी। चेनाब नदी, रावी नदी और व्यास नदी, ये तीनों नदियां कहां से निकलती है? ये तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये बात ठीक है दोस्तों, ये सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास। और इनमें से दोस्तों व्यास नदी सिंधु नदी की वो सहायक नदी है जो केवल भारत में बहती है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी है यहां पे। ठीक है, ये आगे चलकर कहां पे मिल जाती है? ये आगे चलकर सतलुज नदी में मिल जाते। कहां पे मिलती है दोस्तों? तो ये जगह है पंजाब के कपूरथला में। कहां पे? पंजाब के कपूरथला में एक जगह है जिसका नाम है हरी के बिराज। यहां पर व्यास नदी सतलुज नदी के अंदर जाकर क्या हो जाती है दोस्तों? मिक्स हो जाती है। और यहीं पर एक परियोजना बनी है जिसका नाम है हरी के बैराज परियोजना। कौन सी परियोजना बनी है? हरी के बैराज परियोजना। और यही इसी परियोजना से दोस्तों एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। और यह भारत के किस राज्य को सिंचित करती है? तो यह भारत के राजस्थान को सिंचित करती है। किस राज्य को सिंचित करती है? यह राजस्थान को सिंचित करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर किसको सिंचित करती है? राजस्थान को सिंचित करती है। इसके अलावा दोस्तों सतलुज नदी के ऊपर कौन सी परियोजना बनी हुई है? सतलुज नदी के ऊपर बताइए दोस्तों कौन सी परियोजना बनी हुई है? तो भाखड़ा बांध परियोजना। भाखड़ा नंगल इसके साथ लगता है दोस्तों। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? सतलुज नदी के ऊपर कहां पे बनी हुई है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के अंदर दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना बनी हुई है। और भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, तो मैक्सिमम जो किताबें हैं दोस्तों, जो पुरानी जो किताबें हैं, वो क्या बोलती है जी? भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन दोस्तों भाखड़ा बांध को भारत का सबसे ऊंचा बांध नहीं बोलना है। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध, जो उत्तराखंड के टिहरी नामक स्थान पर है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। भाखड़ा बांध को भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहा जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध या चुंबकीय बांध कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे जी? भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब बात करते हैं, आखिरी में बच गया ये सतलुज नदी।
तो सतलुज नदी सिंधु नदी की वो सहायक नदी है, सतलुज नदी सिंधु नदी की वो सहायक नदी है जो वहीं से निकलती है जहां से सिंधु खुद निकलती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह सिंधु नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो वहीं से निकलती है जहां से सिंधु खुद निकलती है, तो वो नदी कौन सी है दोस्तों? सतलुज नदी। कहां से निकलती है? मानसरोवर की राकस्ताल झील से ये निकलती है दोस्तों, मानसरोवर से ही, ठीक है। और सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भी कौन सी है? तो सतलुज नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम सहायक नदियों के बारे में। अब झेलम नदी पे कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है? अगर आपसे पूछ लिया जाए झेलम नदी पे कौन सी परियोजना बनी है, तो तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो झेलम नदी पर कहां बनी हुई है? तो जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। और यह परियोजना दोस्तों किस देश के साथ हमारी विवादित है? तो पाकिस्तान के साथ विवादित है, ठीक है। चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना बनी हुई है? तो बगलीहार परियोजना, तीन परियोजना किस नदी पर बनी हुई है दोस्तों? तो रावी नदी के ऊपर ये बनी हुई है। और सतलुज पे दोस्तों मैंने अभी बताया था भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो ये नदियां हैं, जो ये सहायक नदियां, ये आगे चलकर किस जगह पर सिंधु नदी को अपना जल सौंपती है? तो दोस्तों जहां पर ये सारी नदियां अपना जल सिंधु नदी को सौंपती है, वो जगह पाकिस्तान के अंदर कौन सी है? कराची के निकट पड़ती है दोस्तों मिठानकोट। कौन सी जगह है दोस्तों? तो मिठानकोट पाकिस्तान वह जगह है जहां पर यह सहायक नदियां अपना जल किसको सौंप देती है? सिंधु नदी को सौंप देती है। एक और चीज दोस्तों, लास्ट टाइम में एचएससी में क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया, तो उसने क्या बोला कि वो ये बोल देता है कि भाई कौन सी नदी दाएं छोर से आकर मिलने वाली नदियां हैं, कौन सी नदी बाएं छोर से आकर मिलने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब सिंधु नदी का फ्लो इस साइड में है, इस साइड जा रहा है, तो अगर मैं इस दिशा की तरफ जा रहा हूं तो मेरा दाया छोर कौन सा होता है? ये ऊपर वाला जो हाथ है मेरा दाया हाथ है, नीचे वाला हाथ मेरा बाया हाथ है। तो इस साइड से जितनी भी नदियां मिक्स होगी, नीचे की तरफ से जितनी नदियां मिक्स होगी दोस्तों, वो बाएं छोर से आकर मिलने वाली नदियां होगी। जो ऊपर से आएगी, सिंधु नदी के ऊपर से आएगी दोस्तों, वो दाएं छोर से आकर मिलने वाली नदियां है। तो ये नदियां जो है दोस्तों, ये सिंधु नदी के किस छोर से आकर मिलती है? तो ये बाएं छोर से आकर मिलती है। दाएं छोर की बात करूं मैं तो दाएं छोर से आकर मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो देखिए दोस्तों, काबुल, शोक, गिलगिल, ये वो नदियां हैं दोस्तों जो सिंधु नदी के दाहिने छोर से आकर मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बनेगा? अब ये जो नदियां है, एक तो ये सिंधु होगी और पांच ये नदियां होगी, तो इन छह नदियों पर, इन छह नदियों पर बना हुआ है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता दोस्तों 1960 के अंदर हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पाकिस्तान और भारत। अगर ऐसे बोल दें दोस्तों कि सिंधु जल विवाद हमारा किस देश के साथ है, तो सिंधु जल विवाद हमारा पाकिस्तान के साथ है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 के अंदर सिंधु जल समझौता हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे
प्रधानमंत्री थे उस टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंधु नदी तंत्र आपको यहां पे करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सिंधु जल समझौते को, सिंधु नदी के बारे में वो सारी चीजें हमने यहां पे कवर कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपका गंगा नदी तंत्र है, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, वो हम उसको बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।